इस कहानी की शुरुआत में हमें बैकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बैकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। पर वो रस्सी से बंधा हुआ है इसीलिए अब वो हवा में लटक गया है। अब ना वो ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। ये दोनों के दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डैन की ऊपर से गिरने से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें बैकी को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अपने पति डैन से, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अब भी उसके पास हैं। बैकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है और बैकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसके दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बैकी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बैकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की तो वो बैकी से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए और इसके बाद वो अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर है। ये टावर एक ऐसे भीड़ में होता है जहां पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह नहीं जाना चाहती और जब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बेकी मान जाती है और अभी दोनों के दोनों उस बीहड़ में पहुंच जाते हैं जहां पर ये वीडियोस बना रहे होते हैं, फोटोज खींच रहे होते हैं और हंटर उन वीडियोस को और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। अभी देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोहा जिससे टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब वे आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहां पर हवाएं बहुत तेज है। ये हाइट इतनी होती है जितनी आईफिल टावर की है, यानी लगभग पूरे 1000 फीट। अभी लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी बेकी सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अभी दोनों के दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद एक टारगेट को अचीव करने के बाद अब बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहां पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ यहां पर लाई होती है उसे वो अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बेकी को उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बेकी डैन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं लेकिन बेकी फाइनली अब डैन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अब ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है पर तभी वो स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से लैडर टूट जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थी वो नीचे डिश पर अटक जाता है, जहां तक पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल्स को भी चेक करते हैं लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि ये दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता।
अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। यह टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है, और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। अभी दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते ना इनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने इस टावर के बेस से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी होती है, जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि टावर के तल पर कवरेज है। और अब हंटर अपने मोबाइल पे मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए, लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता। और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है, उसके बाद शू के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। उन शूज और सॉक्स के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटा होता। और कुछ ही देर बाद ये ऊपर दूरबीन से देखते हैं जहाँ इन्हें नीचे एक आदमी दिखता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वो इन्हें इतनी ऊपर ना देख सकता है और ना ही इतनी ऊपर से इनकी आवाज को सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फोन में बहुत ज्यादा मग्न होता है। उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये ऊपर से एक और शू को फेंकते हैं। हालांकि वो शू तो देख लेता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये पहले से यहाँ पर था, और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का हमें इंतजार करना होगा, रात को वो हमारी फ्लेयर गन को देख लेंगे। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है जिसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते हैं, साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी यानी कि आरवी होती है जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है, ये वहाँ पर सो जाते हैं लेकिन जगह बहुत कम है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है कि बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि उसके पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ न कुछ था, और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफी भी मांगती है लेकिन बेकी अब पूरी तरह से नंब हो चुकी है। बेकी की नजर अब भी उस बैग पर होती है जो बैग नीचे एंटीना में यानी कि डिश पर अटका हुआ है। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीजें हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें उस बैग को ऊपर लाना होगा, पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती इसीलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। पर हंटर जो कि बहुत ही साहसी होती है वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है, पर इससे पहले कि वो डिश तक पहुँचती रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है और इसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी हो रहे होते हैं, जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती है, वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो वो अब भी रस्सी से अटकी हुई होती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है जिसे ये मदद मंगवाने के लिए यूज करना चाहते हैं। ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को ये ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन है, वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सोती है तो ऊपर देखती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही है, यानी कि वहाँ पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर लटका रहना पड़ता है। ड्रोन जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर उसी चिट को लगाते हैं जिस पर इन्होंने लिखा होता है कि इन्हें मदद की जरूरत है, और इसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता वो एक गाड़ी से टकरा जाता है जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है।
और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए, वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो सच में ऊपर आते हुए उससे रस्सी छूट गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। दरअसल बेकी सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो इस टावर के ऊपर अकेली है और उसके जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक वल्चर उसके घाव को खा रहा है। वो उसे पकड़ कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास भोजन भी है, इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वो तय करती है कि अब वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी जहाँ पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक यानी कि डिश तक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है और इसके बाद वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि सेल फोन डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शू के साथ सेल फोन को नीचे फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। और अब जबकि उसने बॉडी के साथ शू के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल तार के ऊपर कवरेज ना आने का ये भी कारण होता है कि यहाँ पर इसके अपने इतने सिग्नल होते हैं कि वो दूसरे सभी प्रकार के सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा होता है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टार के आसपास भीड़ है और वहाँ पर बेकी की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है, उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म फॉल की। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।